रशियन पेंटर की बहुत मशहूर पेंटिंग है और हमारे म्यूजियम की सबसे कीमती भी। पर ये किसकी पेंटिंग है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इमरजेंसी अलार्म क्यों बजने लगा? साइरन चीक 12:50 को बजी थी। अगर हम उसके 1-2 मिनट पहले की कैमरा रिकॉर्डिंग देखें, तो पता चल जाएगा। क्या हम आपकी सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख सकते हैं? साड़ी के साथ स्पोर्ट शूज पहने हैं। शायद इसलिए कि भागने में आसानी रहे। हाँ, क्या हुआ चुटकी? वो वहाँ लाइन में खड़े उस आदमी ने ठीक वैसे ही जूते पहने हैं जैसे पेंटिंग चुराने वाली औरत ने अपनी साड़ी के नीचे पहने थे। देखो, इसके पास कोई झोला नहीं है। मतलब अगर वो औरत का भेष था तो साड़ी और बालों का विग कहीं छोड़ कर आया होगा। हाँ, शायद बाथरूम में। हमारा शक सही निकला। आप जा सकते हैं। इतनी जल्दी भी नहीं आंटी जी, पहले चोरी की हुई पेंटिंग तो वापस कर दो। जैसे किसी की सोच अनुसार ये आकार जेल का कमरा भी हो सकता है। अब आप पूरी तरह तैयार हो गई हैं राजकुमारी। मैं अच्छी लग रही हूँ ना नानी? आओ दोस्तों, यहाँ सब कुछ तैयार है। आप कहाँ जा रही हैं राजकुमारी? मैं नहीं, हम सब जा रहे हैं। हम सब? लेकिन कहाँ? इंग्लिश दान के महापौर ने हमें आमंत्रित किया है। वाह, कितना बड़ा जहाज है। वेलकम सर। सर? सर तो आप हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ। आइए सर, आइए संभल कर। इन छुट्टियों में बहुत मजा आएगा। छुट्टी मनाने का मजा तो तब आए जब कुछ खाना। वाह, शाही पनीर, छोले भटूरे और कबाब लाजवाब। वाह वाह, जरा पास्ता और पिज्जा भी तो चखा जाए। मैं तो खाऊंगा आइसक्रीम संडेस जिसमें होगा स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, बटर स्कॉच और ऊपर से ढेर सारा चॉकलेट सॉस। खाना खाकर मजा आया। बहुत मजा आया। सर, खाने के बाद कुछ सौंफ इलायची? नहीं, कुछ नहीं। खाना बड़ा मजेदार था। ढोलू बोलू, खाना नहीं खाया क्या? और जोर लगाओ। सर सर, मुझे सेवा का मौका दीजिए ना। हा?
खाना और आराम फरमाना बहुत हो गया। अब तो मैं मूड में हूँ। डॉन में तुम्हारा स्वागत है। चलो मैं तुम सबको इंग्लिश डॉन का दौरा करवाता हूँ। यह है इंग्लिश डॉन का सबसे बड़ा बीच। चलो बच्चों अब म्यूजियम चलते हैं। सीधा भीम पर होगा। मुझे ये बॉल चाहिए। मुझे चाहिए। जाओ 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 मजे करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। जाओ जाओ जाओ। थैंक यू अंकल। अचानक बारिश। ये सिर्फ मुझ पे बारिश क्यों हो रही है? उस दुकान में भारी भरकम सेल चल रही है। जो चाहे वो पाओ भी बिना दाम चुकाए। चलो चलो। जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आइए उस्ताद। अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
सर्विस है, जच रहे हो। थैंक यू अंकल। भोलू भोलू फॉलो मी। अब आएगा मजा। भी 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 ये क्या हुआ? ये सारी प्रॉब्लम उस दुकान से ही शुरू हुई है। चलो चलकर देखते हैं। जग्गू, राजू, तुम दोनों इनका ध्यान रखो। इन्हें ठीक करने का उपाय इस दुकान में ही मिलेगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपके लिए अभिमन्यु जी ने एक पार्सल भेजा है, देखेंगे? थैंक यू अंकल। जब मैं जादू करता हूँ दुनिया को काबू करता हूँ। अब आया भी मेरे चंगुल में। वाओ, वी आर वीडियो गेम। वूहू, ये कितना अच्छा है। अब हमें दो दो करके खेलने की जरूरत भी नहीं, हम सब साथ खेल सकेंगे। दोस्तों, हम कहाँ हैं? हम गेम के अंदर हैं। हम गेम के अंदर हैं। लेवल 1, सेव योर फ्रेंड। दोस्तों, फर्स्ट लेवल के लिए तैयार? Level 1 complete. तो तुम इस लेवल में तो बच गए, लेकिन अगले लेवल में बच नहीं पाओगे। लेवल 2, मेक द एनिमी योर फ्रेंड। दोस्तों, ये लेवल 2 है। लीडर रोबोट का चश्मा निकालना है, फिर वो खुद ब खुद हमारा साथी बन जाएगा। लेवल 2 कंप्लीट। ये अब हमारा साथी बन गया। लेवल 3, विन योर फ्रीडम। भीम, ये जादूगर जगीरा है, जल्दी कुछ करो वरना वो हमें यही कैद कर लेगा। हाँ।
दिन कैसा रहा? गेम मिला? मजा आया? मेरे खिलौने नहीं खरीदते, अब देखना रौनक शहर का बच्चा बच्चा खिलौना बन जाएगा। भीम के दोस्तों को पकड़ा है तुमने, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं मिस्टर खिलौड़ी। तो भीम के दोस्त हैं भीम के दिल की चाबी। अब शुरू होगा मिस्टर खिलाड़ी का खेल। सबके बिना मजा ही नहीं आता, उनके आने तक इन गुड़ियों से ही काम चला लेता हूँ। कहीं जग्गू का कहना सही तो नहीं, सब घर पर ही थे, फिर कैसे गायब हो सकते हैं? और ये गुड़िया तो बकेट भी कच्चा चबा जाता है ऐसे, और राजू के बाल भी गलत बनाए हैं। ये तो मिस्टर खिलाड़ी के खिलौनों से भी बेकार है, मुझे नहीं चाहिए ये गंदे खिलौने। मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है, नहीं ये कैसा मैजिक है, शायद इस बक्से के अंदर ही पहेली का हल है, मुझे भी अंदर ही जाना होगा। खिलाड़ी काम में व्यस्त है, हम तब तक सबको छुड़ाते हैं। सब किनारे से चुपचाप निकलो। की तरह फाइट कीजिए। मैं कराटे सीखूंगा और कराटे का किंग बनूंगा। हम भी कराटे सीखेंगे। जरूर दोस्तों। ये! पेशेंस, ये क्लास का फर्स्ट रूल है। कराटे सीखने के लिए आपके अंदर पहाड़ की तरह पेशेंस होना चाहिए। तुम्हारे मुंह पर मास्क क्यों? मुझे पोल्यूशन और ज्यादा बोलने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है। ये है
है फेमस चौमुखी सॉर्ड। जब ये चारों सॉर्ड जॉइंट होती हैं, तो एक रोटेटिंग ब्लेड बन जाती है जिसे कोई हरा नहीं सकता। पर ये तो चार अलग अलग सॉर्ड्स हैं, ये एक कैसे होंगी? भीम, वो भाला फेंको। सालों से मैं किसी योग के स्टूडेंट की तलाश में हूँ जिसे मैं ये सोर्ट सौंप सकूं, पर अब तक वो स्टूडेंट मिला ही नहीं। अब तुम सभी एक एक पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो। इस नीटू को तो मैं संभाल लूंगा। देख लो कालिया, कहीं हमें तुम्हें संभालना ना पड़ जाए। कालिया को फाइट करने दो, हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। लगता है बरसों बाद मेरी खोज पूरी होने वाली है। कल भीम और निट्टू के बीच सोर्ड फाइटिंग होगी और जो जीतेगा चौमुखी सोर्ड उसे ही मिलेगी। अच्छी फाइट की, लेकिन इस चौमुखी सोर्ड का सिर्फ एक ही हकदार हो सकता है और वो है भीम। असली हकदार हो। ठीक है, आपने स्वॉर्ड भीम को दे दी, कोई बात नहीं, लेकिन वो के स्टूडेंट मिलने की खुशी में हमें पार्टी तो दीजिए। चलो सब इस खतरनाक चैलेंज में हिस्सा लेते हैं। कौन कितना सच कितना झूठ बोल रहा था, सबका खुलासा हो जाएगा। चैलेंज का राउंड वन। एक एक करके सभी कंटेस्टेंट्स टेबल पर जाएंगे, जहां एक एक करके वो टेबल पर रखी चारों चीजें खाएंगे और पिएंगे। एक, कच्चा दूध। दो, पालक सरसों और दूसरे पत्तों को घोलकर बनाया बिना नमक का हरियाली साग। तीन, कच्चा करेला जो आप निगलेंगे नहीं, चबा चबा कर खाएंगे। और ठीक उसके बाद एक गिलास नीम के पत्तों का काढ़ा। वाह चुटकी, बहुत खूब। चक अब इस चैलेंज से बाहर हो गया है।
में हर कंटेस्टेंट को दो काम करने हैं। इस टैंक में कीड़े केचुए हैं और डार्क रूम की चाबी भी। डार्क रूम की चाबी टैंक में से निकाल, डार्क रूम में जाना है जहां कुछ भी हो सकता है। दूसरी ओर बने एग्जिट दरवाजे से बाहर आना है। याद रहे, जो चीखा चिल्लाया वो इस राउंड के बाहर हो जाएगा। डोलू भोलू अब इस चैलेंज से बाहर हो गए हैं। इस चैलेंज से बाहर हो गया है। तीनों फाइनलिस्ट अब आखिरी और सबसे खतरनाक चैलेंज फेस करेंगे। इस गड्ढे में तरह तरह के सांप हैं। कंटेस्टेंट्स को ऊपर खींची रस्सी पर चलकर इस गड्ढे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है। बस ये मैं नहीं कर सकती, नहीं खेलना चाहती। चुटकी अब इस चैलेंज से बाहर हो गई है। कालिया अब इस चैलेंज से बाहर हो गया है। अपने डर को अपने साहस से हराने वाला भीम है इस खतरनाक चैलेंज का विनर। अब ये मुझे मिली है और ये मेरी है। रुक जाओ कालिया। इस पहेली को राजू ने छुआ नहीं था तब तक उस पर इसका कोई असर नहीं था। भागो भागो, काली रानी के सैनिक आ रहे हैं। रुक जाइए, हम किसी काली रानी के सैनिक नहीं हैं। हम तो ढोलकपुर से आए हैं। ढोलकपुर? तो क्या तुम्हें हमारे रंगीनपुर के रंग मिल गए? क्या आप एक चौकोर रंगीन पहेली की बात कर रहे हैं? हाँ, काली रानी ने उस काली चौकोर पहेली में रंगीनपुर के सारे रंग कैद करके किसी दूसरी दुनिया में भेज दिए और हमारी दुनिया को बेरंग बना दिया। तो क्या इस देश में कभी रंग नहीं लौट सकते? अगर वो पहेली वापस काली हो जाए तो उसमें कैद सारे रंग रंगीनपुर में लौट आएंगे। वो पहेली हमारे पास है पर उसे काला कैसे करें? यहाँ तो सिर्फ सफेद रंग ही है। और हम यहाँ से वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? पहेली का हल और वापस जाने का रास्ता तुम्हें सिर्फ काली रानी के पास ही मिल सकता है। कहाँ रहती है काली रानी? इस सफेद दुनिया में सिर्फ एक ही चीज काली है और वो है काली रानी का महल। उस दिशा में जाने पर तुम्हें महल मिल जाएगा। अब इस काली रानी को सबक सिखाने का समय आ गया है। चुटकी, वो रंगीन पहेली मुझे दो। नहीं!
हाँ।